वेलकम टू अचीव योर साइड डियर चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे कोरिलेशन के बारे में और साथ ही साथ इसके कुछ टाइप्स के बारे में। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम कोरिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइकोलॉजी में इस टॉपिक पर आ रहे हैं या आप स्टैट्स की फील्ड में जा रहे हैं इन साइकोलॉजी, तो वहां पे रिसर्च मेथड्स में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। उसके अलावा कोरिलेशन का बेसिक समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरिलेशनल रिसर्च भी एक मेथड होता है जो साइकोलॉजी में आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसकी कुछ टाइप्स को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स, जो कि आपके लिए बहुत सुटेबल रहेंगे यहाँ पे समझने के लिए। तो फिलहाल बिगिन करते हैं विद इट्स नेम। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं नाम है कोरिलेशन, मींस कोरिलेशन, दो चीजों के बीच कोई रिलेशन। वैसे भी कोई अकेली चीज अपने आप से कोई रिलेशन फॉर्म नहीं करती, चाहे हम दो लोगों की बात करें, चाहे दो सिचुएशंस की बात करें, दो ऑब्जेक्ट्स की बात करें, आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होल्ड करते हैं, राइट। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन किसी वजह से होती है, कोई भी काम जो होता है उस पर क्या इफेक्ट हो सकता है, यहीं से हमारा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी आता है। तो एवरी सिचुएशन देयर इज ऑलवेज अ रीजन, कोई भी जो चीज होती है वो किसी वजह से होती है, और जब कोई चीज होती है, कोई सिचुएशन होती है, तो उसके बाद उसके इफेक्ट्स भी कुछ ना कुछ होते हैं। तो वही चीज ये बात है कि जो उनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है वही कोरिलेशन होता है। बेसिकली कोरिलेशन थ्री टाइप्स का होता है, लेकिन उससे पहले उसकी डेफिनेशन को भी समझेंगे। अ स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। देखिए स्टैटिस्टिकल रिलेशन इसलिए कहा गया है कि जो कोरिलेशन होता है ये हम स्टैट्स में प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं, ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है। हम ऐसे ही नहीं बोल देते कि किसी चीज के बीच में क्या रिलेशन है, वो तो जनरलाइजेशन हो गया जो हम अभी एग्जांपल्स में समझेंगे। बट प्रैक्टिकली स्टैट्स में हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, और जिस चीज को हम फिगर आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं कोरिलेशनल कोएफिशिएंट। वो बात की चीज है, आज के इस वीडियो में हम बेसिक चीज को समझेंगे। और उसके बाद एक टर्म आती है स्टैटिस्टिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये भी चीज हमारे सामने आती है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो कोई भी दो सिचुएशन, वो दो चीजें, दो पर्सन, दो इवेंट, कुछ भी वो चीजें हो सकती हैं जिनके बीच हम कोरिलेशन फाइंड आउट करें। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मिनिमम हमें दो वेरिएबल्स तो चाहिए ही, दो वो इवेंट्स, दो सिचुएशंस चाहिए जिनके बीच में हम बता पाए कि आपस में रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, जो भी एग्जांपल्स की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे नीचे, आगे हम बात करेंगे। तो अब हम टाइप्स की बात करते हैं। कोरिलेशन आपने समझ लिया, कोरिलेशन मींस रिलेशनशिप, अ बॉन्ड बिटवीन टू सिचुएशन और टू वेरिएबल्स। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, आप देख सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि या तो किसी सिचुएशन के होने के बाद उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है, या जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, या फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर किसी सिचुएशन का किसी दूसरे सिचुएशन पर किसी भी तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन रेस्पेक्टिवली कहलाएगा। लेकिन अगर उस सिचुएशन का दूसरे सिचुएशन पर, दो वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं फॉर्म हो रहा है, तब हम कहेंगे कि वो जीरो कोरिलेशनशिप है या जीरो कोरिलेशन है। सबसे पहले पॉजिटिव को समझते हैं। इन दिस काइंड ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, बोथ वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, बट दोनों की ही डायरेक्शन सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक वेरिएबल के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है, और एक वेरिएबल के डिक्रीज होने पर, वैल्यू डिक्रीज होने पर, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप हम दो वेरिएबल्स के बीच में देख रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि उनके बीच में पॉजिटिवली कोरिलेशन है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एक वेरिएबल के डिक्रीज होने पर दूसरे की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव क्यों है। यही इस पॉजिटिव कोरिलेशनशिप का कंसेप्ट है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। एग्जांपल से बेटर समझ पाएंगे आप, ध्यान दीजिए। जैसे कि पहला एग्जांपल है टेम्परेचर एंड सनबर्न। जितना ज्यादा टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आप आएंगे, जितना बाहर आप सन में जाएंगे, उतना ही ज्यादा सनबर्न होगा, राइट। अगर इसको ऑपोजिट देखें तो जितना टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आप कम जाएंगे, उतना ही कम सनबर्न होगा। तो यहाँ दोनों ही केस में आप देखिए, दोनों ही केस में दोनों वेरिएबल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं। अगर एक में इंक्रीज है तो दूसरे में भी इंक्रीज हो रहा है। और इस तरीके से और भी देख सकते हैं, अटेंडेंस इज टू अचीवमेंट। अटेंडेंस और अचीवमेंट के केस में हम देखेंगे अटेंडेंस एक वेरिएबल हो गया। जो बच्चा क्लास में ज्यादा रेगुलर रहता है, नोट्स बनाता है, पढ़ाई प्रॉपर करता है, मीन्स ही इज वेरी अटेंटिव इन द क्लास। जितना वो अटेंशन ज्यादा पे करेगा या अटेंडेंस उसकी रेगुलर होगी, उतना ही उसका अचीवमेंट बेटर होगा। और ये होता भी है, आप लोग ऐसा देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि जब आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपका आउटकम अच्छा आता है। जब आप पढ़ाई की तरफ ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं, यानी अटेंडेंस अगर किसी बच्चे की पुअर हो रही है, तो परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे डिके होने लगेगी। तो दोनों ही वेरिएबल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। उसके बाद डाइट और हेल्थ का केस भी सेम है।
अगर हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हमने जिसका रिवर्स कर दिया, अगर हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, तो हमारी हेल्थ का डिके होगा, ऐसा होता भी आपको मालूम है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो केसेस हैं, इसमें अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक वेरिएबल की, तो वो दूसरे पर जो इम्पैक्ट डाल रही है वो भी पॉजिटिव है, या फिर अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो जो इम्पैक्ट दूसरे पर डाल रही है वो भी नेगेटिव है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव कोरिलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ। इसमें क्या होगा, इसमें बोथ वेरिएबल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जाएंगे, और तब हम उसे बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ऐसा किस किस सिचुएशन में हो सकता है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे सामने है, जैसे कि स्पीड एंड टाइम। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो जितना फास्ट आप कार को चलाएंगे उतना ही आपका टाइम कम लगेगा। अगर आप कार को बहुत स्लो चला रहे हैं, स्पीड बहुत स्लो करी है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये दोनों चीजें, स्पीड और टाइम, दो वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे के साथ नेगेटिव कोरिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। देन कम्स क्लीनलीनेस एंड डर्ट। दिस इज वेरी सिंपल, जितनी ज्यादा क्लीनलीनेस होगी डर्ट उतनी कम नजर आएगी, उतनी ज्यादा गंदगी हमें कम दिखेगी। लेकिन अगर हम क्लीनलीनेस नहीं रखेंगे तो हमें डर्ट इजिली दिखेगी, हमें पता चलेगा कि वो जगह गंदी हो गई है। तो सिंपल सी बात है, ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये आपस में नेगेटिव कोरिलेशनशिप को दिखाते हैं, क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरी चीज कम हो रही है, एक के कम होने पर दूसरी चीज बढ़ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सरसाइज और फैट है। जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही फैट आपका कम होगा, जितनी ही कम आप एक्सरसाइज करेंगे उतना फैट बढ़ेगा। तो इस तरीके से इस रिलेशनशिप में भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स भी नेगेटिवली कोरिलेट हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम जीरो कोरिलेशन की तरफ आए, तो देखिए जीरो कोरिलेशन सिंपल होता है, बहुत सिंपल है, कि दो ऐसे वेरिएबल्स जो एक दूसरे पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डालते, ऐसे कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, और उनको हम बोलते हैं कि दे आर इन अ जीरो कोरिलेशनशिप विद ईच अदर। कह सकते हैं बेसिकली लेमन लैंग्वेज में कि इसको कोई आपस में लेना देना नहीं है, या कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। तो वही चीज होती है जीरो कोरिलेशनशिप, जब दो वेरिएबल्स का आपस में कोई फर्क नहीं होता, किसी के भी बढ़ने या घटने से दूसरे पर कोई फर्क नहीं आने वाला। जैसे कि इफ वी से दैट द टी टेकन इज टू इंटेलिजेंस, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर टी हम ज्यादा पी रहे हैं तो इंटेलिजेंस बढ़ेगा ऐसा भी नहीं होगा, घटेगा ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि कुछ होगा भी नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सिमिलर है, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन एनीथिंग, आपको ड्राइविंग में इंटरेस्ट है, सो दैट हैज नो रिलेशनशिप विद द रेन, विद द सनलाइट, और विद एनीथिंग। तो जीरो कोरिलेशनशिप के तो कुछ भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, दैट विल बी ऑल बी ओके। जो आप नहीं लिख पा रहे हैं वही आंसर आपका जीरो कोरिलेशनशिप में चला जाएगा बेसिकली। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसकी हेल्प से हमने समझा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशनशिप क्या होते हैं। दिस इज वेरी बेसिक थिंग जो पहले आपको अच्छे से समझनी जरूरी है। अब इसके बाद आई एम प्रोवाइडिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डू विजिट इट, क्योंकि इसमें हम और भी कुछ चीजें हैं जो कि बात करेंगे अबाउट कोरिलेशनशिप एंड कोरिलेशनल रिसर्च। अगर क्लास 11th में आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बेसिक वही उसी के लिए है ये मेजरली, तो फिर आपको उसको वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके आगे की कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उस वीडियो में अवेलेबल है। और बाकी इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया, देन प्लीज ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, देन प्लीज फॉलो देयर, वी हैव अ लॉट ऑफ अपडेट्स फॉर यू। ऑल्सो फॉलो ऑन टेलीग्राम, ऑल्सो ज्वाइन अस देयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक ऑन योर रिक्वेस्ट ओनली। सो सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।